हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास 11th में केमिस्ट्री का जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे द कंपाउंड्स ऑफ बोरोन चल रहा था टॉपिक, उसी आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। इसमें आपने बोरेक्स समझ लिया, तीन कंपाउंड आपके एनसीईआरटी सिलेबस में थे, बोरेक्स आपने देख लिया, ऑर्थोबोरिक एसिड आपने समझ लिया। आज जो आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड है तीसरा, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा, इनमें से जरूर आपके क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। जो आपका तीसरा कंपाउंड है वो है बोरोन का हाइड्राइड, जो बेसिकली होगा हम पढ़ेंगे डाइबोरेन, पढ़ेंगे डायबोरिन, ठीक है ना। तो हमारे पास जो बोरेन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो बोरेन्स हमारे पास होते हैं, ये दो सेक्शन में बांटा गया है। एक तो नीडो बोरेन्स होते हैं आपके पास, और एक होते हैं आपके पास आर्केनो बोरेन्स, ठीक है ना। तो ये जो नीडो बोरेन्स है, इनका जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, बी एन एच एन प्लस फोर, इस तरह का, ठीक है ना। और जो ये वाले हैं, इनका फॉर्मूला है आर्केनोबोरेन्स का बी एन एच प्लस सिक्स, एच एन प्लस सिक्स, ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स, एच एन प्लस सिक्स, ये आपने देखा। तो कुछ नहीं है, इनमें हाइड्राइड्स के नंबर कुछ ज्यादा होंगे। अगर मैं एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, मैं बी वन रखता हूँ तो ये आपका बी एच थ्री हो जाएगा, टू रखूंगा तो ये आपका बी टू एच सिक्स हो जाएगा, थ्री रखूंगा तो आप देखेंगे थ्री और फोर सेवन हो जाएगा, एच सेवन हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। इस टाइप के अगर हाइड्राइड्स आप देखेंगे तो ये ऐसे होंगे, वन रखेंगे तो ये बी एच सेवन हो जाएगा, टू रखेंगे तो ये आपका बी टू एच एट टाइप का, इस टाइप का आपका हो जाएगा, ठीक है ना, टू प्लस सिक्स एट बी टू एच टू। और अगर आप थ्री रखेंगे तो थ्री में आप देख रहे हैं कि बी थ्री एच नाइन हो जाएगा, और फोर रखने पर बी फोर एच टेन हो जाएगा, ये बार। तो कुछ नहीं है, हाइड्राइड्स के कुछ ऑर्डर्स में इस तरह के हाइड्राइड अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो नीडोबोरेन्स और आर्केनोबोरेन्स इस तरह के हाइड्राइड्स होते हैं। हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो ये है, हमें पढ़ना एक्चुअली ये वाला ही था BH3, लेकिन BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, डायबोरेन एग्जिस्ट करता है। क्योंकि आप जानते हैं जो बोरेन होता है, बोरेन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। हमें बेसिकली ये पढ़ना है, इसे हम क्या कहेंगे, डायबोरेन, क्या कहेंगे, डायबोरेन, क्योंकि नॉर्मली बोरेन होगा ये दो बार है, क्योंकि इसका अगर आप टू टाइम्स करेंगे तो यही आएगा बी टू एच सिक्स, तो इसीलिए क्या कहते हैं, डायबोरेन। ये आज हमारी स्टडी का जो हमारा टॉपिक है वो ये है डायबोरेन, ठीक है ना। तो आज हम इस स्टडी कर रहे हैं, मैं बाकी वो हटा देता हूँ। देखिए तो हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, बोरोन का हाइड्राइड जो कि है आपका डायबोरेन। देखिए यहाँ पर डायबोरेन ये हमारा टॉपिक है। तो आपने देखा बोरेन तो सिर्फ ये होता है बी एच थ्री, लेकिन उसका ट्वाइस कर दें तो बी टू एच सिक्स, ये हमें यहाँ पर स्टडी करना है आज डायबोरेन, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन से। तो प्रिपरेशन, अगर मैं इसकी फर्स्टली बात करूं प्रिपरेशन में, ध्यान रखिए मैं तीन तरह से इसकी प्रिपरेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तीन आप अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता पॉसिबल। तो मैं आपको कुछ रीजन समझाऊंगा, पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसे प्रिपेयर किया जाता होगा। ये आपका बोरोन ट्राइफ्लोराइड है BH3, इसकी रिएक्शन अगर आपने कराई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, इस तरह से, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अगर आप ऐसे रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास जो बनेगा वो होगा B2H6 प्लस LiF प्लस AlF3। अब मैं आपको जरा समझाता हूँ एक्चुअली हुआ, ठीक है, ये बात तो जरा ध्यान रखें। BF3 से कुछ बातें जरूर आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा ही आपको याद करना पड़ेगा, कुछ टेक्निक से भी चलना पड़ेगा जो मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए जरा यहाँ पर समझने की। देखिए इतना तो तय है कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड और ये मिलते हैं, मुझे इतना पता है कि B2H6 तो बनेगा, ठीक है, इतना मैंने मेमोराइज किया, ठीक है। उसके आगे की बात जो है, लिथियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, आपको आप जानते हैं LiF3 बन सकता है। एल्यूमिनियम अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो AlCl3 टाइप का AlF3 बनेगा, ठीक है ना, जो एल्यूमिनियम का क्या होगा, हैलाइड होगा, और ये लिथियम का हैलाइड है, तो नॉर्मल था। अगर बैलेंस की बात करूं तो ये B2 है यहाँ, तो मुझे यहाँ 2 इस तरह से बैलेंस करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से 3 लिखूंगा, यहाँ पर मैं 4 लिखूंगा, मुझे इसका 4 ध्यान है कि यहाँ पर 4 लिखना है, इसका 3 मुझे फिर भी यहाँ पर ज्यादा आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये 4 है, बस बैलेंसिंग में मदद मिलेगी और कुछ नहीं, वरना आप लास्ट में कर ही लेंगे बैलेंस। अगर मैं 2 रखूंगा तो फिर मैं देखूंगा कुछ कमी पड़ गई, 4 पर आ ही जाऊंगा, लेकिन अल्टीमेट तौर पर अभी मुझे क्योंकि ध्यान रहेगा इस बात का ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है ना। ये 4 है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2 लगा दूंगा। अभी आपके B2 कितने हो गए, B4 हो गए, और ये भी B4 थे। अगर आप देखेंगे फ्लोरीन आपके कितने हैं, 4 3 12, और यहाँ पर आपके 3 आ चुके हैं, और मैंने बोला कि इसके आगे आपने एल्यूमिनियम के आगे 3 लगाया, तो 3 आप यहाँ पर भी लगा लीजिए ताकि एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाए,
तो यहाँ पर फ्लोरीन कितने हो गए, 3 3 9, 9 फ्लोरीन हो गए, तो 12 होने के लिए यहाँ पर कितने बचे, 3, और 3 लिथियम आपका बैलेंस हो गया, सब कुछ आपका बैलेंस हो चुका है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आपको एक एक चीजें बिल्कुल याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनता है। अब ये भी आपको स्पेशली याद रखने का एक टेक्निक है, टेक्निक बहुत आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली लिथियम एल्युमिनियम जो हाइड्राइड है ये मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप स्टूडेंट कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर साथ ही साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक सबसे ज्यादा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच में। इसी का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, जहां भी रिएजेंट में लिखा जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वहां तुरंत समझा जाता है कि ये रिड्यूस करवा रहा है। अब जरा मीनिंग को आराम से समझे ताकि ये रिएक्शन हमें मेमोराइज हो जाए। मीनिंग क्या है कि लिथियम एल्युमिनियम जो हाइड्राइड है आपका एक मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट करते क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करवाते हैं। बहुत आसान, ध्यान से समझिएगा इस बात को। रिडॉक्स जहां पर हमारी रिएक्शन है वहां पर बोला जाता है इस बात को। मैंने क्या बोला? रिड्यूसिंग एजेंट, जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इनका काम क्या है? रिडक्शन को फॉलो करवाना, करना नहीं, ध्यान रखना, रिडक्शन करना नहीं होता, रिडक्शन क्या होता है इनका? दे फॉलोड रिएक्शन, ठीक है ना, रिडक्शन, ठीक है ना, they have to follow reaction, reduction, sorry, reduction करवाने में इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो reduction क्या करते हैं? ये करवाते हैं आपके reducing agent, ठीक है ना। तो reduction करवाने का मतलब student क्या होता है? reduction कोई अगर करेगा, जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ कि A, अगर मैंने बोला कि ये reducing agent है, जैसे मैं R बोलता हूँ reducing agent, तो अगर यहाँ पर कोई एक A रखा है और ये आपका reducing agent है, reducing agent का मतलब हुआ कि ये सामने वाले का reduction करवाएगा, सामने वाले का रिडक्शन करवाएगा। और रिडक्शन होता क्या है स्टूडेंट? अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो या ऑक्सीजन का रिमूवल हो, एक नॉर्मल डेफिनेशन जो कि यहाँ पर बहुत आपकी अप्रोप्रिएट है उसी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी भी और डेफिनेशन होती है रिडक्शन की, लेकिन रिडक्शन बेसिकली क्या होता है? हाइड्रोजन अगर गेन करे, ऑक्सीजन अगर रिमूव करे। जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल। अगर मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूँ तो रिडक्शन का मीनिंग होता है आपका क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है। तो अगर ये रिडक्शन करवा रहा है ए का, तो जरूर ये ए में हाइड्रोजन को ऐड करवा रहा होगा। मतलब ये क्या मदद कर रहा होगा? ये हाइड्रोजन दे रहा होगा ताकि हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाए, और हाइड्रोजन अगर ऐड हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, तो ए का रिडक्शन हो जाएगा। शायद आप बात समझोगे, अभी आप और ध्यान से समझने वाले। तो इतनी बात आप समझे कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? रिडक्शन करवाता है। अब करवाने के तरीके और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस वाले इस पोर्शन में, क्योंकि आपने देखा है रिडक्शन किस किस तरह से होता है, इस पोर्शन में आप सिर्फ इसी डेफिनेशन पर रहें कि हाइड्रोजन को देगा, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन देगा ताकि दूसरा वाला रिड्यूस हो जाए। तो ये जो यहाँ पर रखा है, ये हाइड्रोजन दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है ताकि रिडक्शन हो जाए, ठीक है ना। अब ये इसे हाइड्रोजन जब दे रहा है तो ये ले इसलिए रहा है स्टूडेंट, क्योंकि आप जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आप जानते हैं बोरोन का जो 6 होता है आउटर मोस्ट में, तो इसीलिए ये लेगा, इसको कमी है क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट की इसको जरूरत है एक हाइड्रोजन की, इसीलिए ये क्या करेगा? हाइड्रोजन गेन करेगा, और ये हाइड्रोजन देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट इसे हाइड्रोजन देगा। इसीलिए आप देखेंगे बोरोन ने हाइड्रोजन गेन करे इसकी मदद से, और इतने 6 हाइड्रोजन यहाँ ले लिए, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं BH3 अगर होगा तो वो तो कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा BH3, ठीक है। तो यहाँ पर B2H6 बनता है ताकि डेफिशिएंसी को कम किया जाए। उसे कम कैसे करेंगे उसका आगे आपको मैं अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, वहां से समझेंगे कि B2H6 में कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, ठीक है ना, वो हम बाद में समझेंगे। तो मैंने आपको जो मीनिंग बताया वो सिर्फ इतना ध्यान रखें कि हमारा जो बोरोन है इन तीनों रिएक्शन में जो मैं आपको बताऊंगा उनमें सिर्फ एक ही काम करेगा, हाइड्रोजन को गेन करेगा, मतलब अपना रिडक्शन करवाएगा, इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट का हम इस्तेमाल करें। इसीलिए पहली रिएक्शन ये, ठीक है। सेकंड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपका यहां पर होगा NaBH4। स्टूडेंट आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिए ये एक अनदर टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके बाद इसी का नंबर है, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट दो ही हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली यूज होते हैं, जो आपने बहुत बार देखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बनता कहां से? यह हमने जब हाइड्राइड पढ़ा होगा हाइड्रोजन में वहां बनता था। अगर आपको याद आ रहा होगा कि लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन होती थी किसके साथ? Al2H6 के साथ, तो उस समय आपका ये बनता था, ठीक है ना। मैं आपको हल्का सा बता रहा हूँ कि ये बनाना हमें आता है, पीछे प्रिपरेशन था हाइड्रोजन नाम के लेसन में। ऐसे ही NaBH4 है, इसे सोडियम बोरोहाइड्रेट कह सकते हैं, हाइड्राइड कह सकते हैं, या इसी को आप सोडियम टेट्राहाइड्रिडो बोरेट कह सकते हैं। क्या? सोडियम टेट्राहाइड्रिडो बोरेट,
या नॉर्मली सोडियम बोरोहाइड्राइट, नोट कर लिया ठीक है ना इस बात को जो मैंने बोला इतनी बार। अगर आप इसका रिएक्शन कराएं आयोडीन के साथ, ये लेबोरेटरी मेथड है जिसमें लैब में अगर हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीटवेट सीकर, तो इसका मेथड है। क्या नाम बोला मैंने इसका? सोडियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम हाइड्रिडो बोरेट, या तो आप सोडियम हाइड्रिडो बोरेट बोल सकते हैं। इसकी आयोडीन के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे, देखेंगे इस बार ये हाइड्रोजन देगा, ये बात तो सही है लेकिन देगा कैसे, क्योंकि खुद बोरोन यहीं पर है। तो ऐसा होगा, इसी में रिएक्शन फॉलो करेगी, हम यहीं से डायरेक्ट लिख देते हैं कि यहाँ पर B2H6 बन गया ठीक है। और क्या क्या बन सकता है, यहाँ से Na है, यहाँ I है, तो Na I बन सकता है आपस में। तो मैंने B2H6 लिखा इसलिए मुझे 2 लगाना चाहिए ताकि 2 बोरोन हो गए, और यहाँ से Na I के साथ रिएक्ट करके आप जानते हैं आयोडाइड बनाएगा, तो 2 Na I मिलेगा क्योंकि बैलेंस करवाएंगे तो इस तरह से। बाकी अगर कुछ बच रहा है तो लिख लीजिए, जैसे 6 आपके हाइड्रोजन वहां हो गए, यहाँ हाइड्रोजन आपके 8 है, तो 2 हाइड्रोजन बचे इस तरह से। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, जरूर यहाँ पर कुछ बातें याद रखनी है, मेमोराइज करनी है, लेकिन 100 में से आपको 90% काम कॉन्सेप्चुअली सोच के करना है कुछ ठीक है ना। 10% में आपको जरूर ध्यान रखनी है कुछ बात, ये आप समझ गए। इस तरह से लेबोरेटरी प्रिपरेशन होता है कि आयोडीन की अगर हम रिएक्शन कराते हैं NaBH4 के साथ, तो तब भी हमारा B2H6 बन जाता है। इस पर फोकस करें, ये हमारा प्रिपरेशन। थर्ड जो इसकी प्रिपरेशन है, ध्यान रखिए क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि इतना दे दिया जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा आपके लिए, तो आपको फिल करना होगा आगे। तो अगर आप इसके कांटेक्ट में रहेंगे तो धीरे धीरे आप इनऑर्गेनिक को पढ़ना समझ जाएंगे ठीक है ना, किस तरह से करना। थर्ड रिएक्शन होगी आपका NaH है, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड आप जानते हैं, सोडियम का हाइड्राइड है, ये हमने पहले जब हमने एस ब्लॉक पढ़ा हुआ था आपने समझा होगा हाइड्राइड कैसे होते हैं। फिलहाल उसी से LiCl(H4) अगेन आएगा, आप चाहें तो सीरीज में लिख सकते हैं, इसके बाद तुरंत इसे लिख लेते, ये होगा। अब इसके साथ जब रिएक्शन होगी अगेन हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा यही बनेगा B2H6 को बनाना था ठीक है ना। किसकी रिएक्शन हुई? NaH की रिएक्शन हुई LiAH4 के साथ। तो LiAH4 के साथ अगर रिएक्शन हुई, ये मैं थोड़ा सा इसे गलत कर रहा हूँ क्योंकि बोरोन तो यहाँ दिख नहीं रहा, ऐसा करना चाहिए इसे, मुझे बोलना चाहिए सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन B2H6 के साथ, सॉरी BF3 के साथ, सॉरी स्टूडेंट सॉरी। देखिए यहाँ पर क्योंकि मुझे B2H6 बनाना है, इतना हिंट रखना है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा BF3। तो मैं मुझे ये ध्यान था कि पहली रिएक्शन के साथ कुछ है, तो मैंने इसे समझ लिया, वो गलती हो गई। अब जरा समझाता हूँ कि मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये इसके साथ ही करना था, क्योंकि अगेन वही सिचुएशन है, वही BF3 है जैसे पहले था। पहले एक रिड्यूसिंग एजेंट ने उसकी मदद की हाइड्रोजन देने में, अभी वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम ये करेगा, बस इतना सा तो चेंज हुआ। उसी में आपने देखा एक बार रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ इसने किया हाइड्रोजन अपना, इसने दिया बोरोन को, इस बार ये वाला अपना हाइड्रोजन इसे देगा, इसीलिए आप समझ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा B2H6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखने की हाइड्रोजन उसने दिया, तो यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए 2 लगा लीजिए, तो जब आपने इसे 2 किया, अब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो ऐसे ऐसे करता हूँ 6 लगा दीजिए, तो देखेंगे आपका 3 2 6F और 6 Na बचा हुआ है, दिस इज कॉल्ड 6 NaF सोडियम फ्लोराइड, बस इतनी सी बात। तो इसमें ध्यान रखिए, मुझे इतना पता था कि पहले के साथ इसका कुछ लिंक है, तो लिंक का पता कैसे चला कि आपने देखा वही BF3 आपने रखा है यहाँ पर, और उसने उस समय आपको रिक्वायरमेंट पूरी की थी इसने रिड्यूसिंग एजेंट ने, इस बार इसकी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट इसने पूरी की। तीनों में लगभग एक ही बात हो रही है कि हमारा बोरोन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है ठीक है ना। तो इसीलिए 2 में तो हमने रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया, रिड्यूसिंग एजेंट था तीसरे में भी, लेकिन उसी में बोरोन हमने उसी में से निकलवाया आयोडीन के साथ रिएक्शन करके, ये हमारा लैब का मेथड है। बस यही आपके 3 प्रिपरेशन है, तो बिल्कुल इन्हें बाय हार्ट कर लें, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को कभी कभार इसलिए होती है कि आप इनके आगे की ये भी याद रखने लग जाते हैं कि 4 3 2, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा और इसमें आप फंस जाएंगे। तो क्या ध्यान रखना है, मेन ध्यान रखना है कि बनेगा क्या, ठीक है, सोडियम हाइड्रोबोरेट आयोडीन के साथ के बस B2H6 बनेगा, बाकी आपको बाय प्रोडक्ट आप समझ सकते हैं क्या बनेगा ठीक है। इतना हमारा एक्सपीरियंस रहता है, तो मैं आपसे नॉर्मल बातें कर रहा हूँ, एक इस तरह से बात नहीं कर रहा कि ऐसा ही बनेगा आप याद कर लीजिए। मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपको बता सकूं, जो छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं वो जरा ध्यान रखिएगा। ये 3 प्रिपरेशन के हो गए, मैं सिर्फ कर लेता हूँ, समझ गए होंगे ठीक है ना। तो B2H6 इस तरह से होता है। अब जरा B2H6 की थोड़ी प्रॉपर्टीज पर जरा बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, तो इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो ये कि ये गैस है और टॉक्सिक गैस है, B2H6 जो हमारी है गैस की है। अब गैस ये इसलिए होती है क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 180 केल्विन। आप जानते हैं 273 केल्विन क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 273 से भी पीछे केल्विन में, मतलब माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में, ये आपका आता है, मतलब लेसर देन 0 डिग्री में।
इसका बॉइलिंग पॉइंट, आप जानते हैं स्टूडेंट कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जरूर इसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से तो ज्यादा ही होगा स्टॉक का, तभी तो ये अभी गैस में नहीं है। मतलब अगर मैं इसे गर्म करूंगा तो पहले ये लिक्विफाई होगी, लिक्विफाई होने के बाद फिर गैस बनेगी, ठीक है ना। जैसे सॉलिड है आप जानते हैं वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसीलिए वाटर हमारे रूम टेम्परेचर में वाटर की तरह रहता है। लेकिन अगर टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते रहे रूम का टेम्परेचर इतना कर दें कि 100 डिग्री से ऊपर, तो फिर वो वेपर बनना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर मीनिंग इतना है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 180 केल्विन ही है। 180 केल्विन आपका कहाँ होता है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा उससे कहीं पीछे, तो हमारा यहाँ कहीं 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या होगा रूम टेम्परेचर। इसका मतलब ये 180 केल्विन के बाद से ही गैस में बन गया, इसके आगे का सारा फेज गैस है। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से सारा फेज आगे का गैस होता है, वैसे इसीलिए ये यहाँ रूम टेम्परेचर पर जो हमें चीजें रूम टेम्परेचर पर दिखाई देती है, हम एक्चुअली उसे वही कहते हैं, ठीक है ना। जैसे वाटर हमारा सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन हम H2O को वाटर कहते हैं क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर वाटर ही रहता है। वैसे ये चीज जो है रूम टेम्परेचर पर गैस की तरह बिहेव करेगी क्योंकि इसका वॉल्यूम पॉइंट नहीं दिखता है। स्टूडेंट आपको बात समझ में आ गई। दूसरी बात इसकी ये कि एक टॉक्सिक गैस है, मतलब जहरीली गैस है, ठीक है ना, टॉक्सिक नेचर है। तो फर्स्ट थिंग आपने देख ली, सेकेंड थिंग है टॉक्सिक इसका नेचर। ये दो बातें आपने समझ ली। अब मैं इसकी कुछ बातें करता हूँ, इसकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इसकी रिएक्टिविटी के बारे में कुछ बातें करते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने पर स्टूडेंट ये स्पॉन्टेनियसली कम्बस्टिबल है। स्पॉन्टेनियसली मतलब तुरंत, कोई और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑक्सीजन के साथ आते ही ये तुरंत क्या कर देती है, रैपिडली फायर को कैच कर देती है। तो इसका मतलब ये कि B2H6 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, तो बोरोन अपना क्या बना देगा, ऑक्साइड। बोरोन का ऑक्साइड आप जानते हैं ये होता है B2O3। आपने देखा था ग्रुप 13 के एलिमेंट इस तरह की क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, B2O3 आपका हो गया। B2O3 को आप जानते हैं या तो आप बोरोन ट्राईऑक्साइड बोल सकते हैं, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड। अगर आप बैलेंस कर लें H6 है यहाँ, ठीक है, तो ऐसा करता हूँ इसमें 2 लगा देता, ठीक है ना, ताकि ये आपके हाइड्रोजन बैलेंस हो सके। तो यहाँ पर मैंने ऐसा कर दिया, तो हाइड्रोजन बैलेंस, सॉरी ये तो ऑक्सीजन है, इस तरह से B2O3 मैंने ऐसा कर दिया यहाँ पर, और ये 3-2-6 हो चुका है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको 6 करने के लिए 2 लगा देना चाहिए। अब यहाँ बोरोन कितने हो गए, 4, तो उसके आगे 2 लगा दिए, बोरोन 4। अब हमारे पास क्या बचा, CH2, ठीक है ना, हमारे पास क्योंकि हाइड्रोजन कितने बचे थे, 6-2-12 हाइड्रोजन बचे स्टूडेंट्स हमारे पास, तो मुझे ऐसा कहना चाहिए 6H2, इस तरह से मुझे यहाँ पर कहना चाहिए। तो बैलेंसिंग एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3-2-6 ऑक्सीजन 6 है, 4 ये बोरोन, 4 बोरोन है, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, ठीक है ना, तो 12 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर कुछ अमाउंट में आपके पास हीट रिलीज कर, कुछ नहीं बहुत कुछ अमाउंट में एक्चुअली 1976 किलो जूल पर मोल, बहुत ज्यादा अमाउंट है, 1976 किलो जूल पर मोल की हीट एनर्जी रिलीज करता है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री में इसे DelH=, नेगेटिव साइन से लिखा है, नेगेटिव साइन का मतलब है कि इसने सिस्टम से क्या हुआ, लॉस हुआ, इसीलिए नेगेटिव लगता है। तो अगर मैंने DelH को यहाँ लिख दिया तो नेगेटिव साइन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बता रहा है कि प्रोडक्ट के साथ कुछ हीट भी निकलेगी, मतलब दिस इज द टाइप ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक्सप्लोसिवली, ठीक है ना, बर्न होती है जब ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आती है तो रैपिडली फायर को कैच करती है, इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी थी ऑक्सीजन के साथ। मैं स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा, ध्यान रखें बहुत नॉर्मल है ये, इसके साथ मिलेगा तो ये मेन बनेगा, ये ध्यान रखें, ठीक है ना, बाय प्रोडक्ट आप बना देना आपका ऑक्साइड बनेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें कि हमने ये देख लिया, अब बचते हैं वाटर, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कैसे होगी, B2H6 रिएक्ट विद वाटर। स्टूडेंट ये पॉइंट आपने जब ऑर्थोबोरिक एसिड देखा होगा, ऑर्थोबोरिक एसिड को बनाने का क्या मेथड था, मैंने लास्ट टाइम पे कराया था उसे, और तो बोरिक एसिड बनाते समय आप क्या करते थे, NaBH4 लेते थे, बोरिक्स लेते थे, उसके साथ कोई एसिड लेते थे, जैसे मैंने H2SO4 लिया था, NCERT में HCl लिया गया है, उसके साथ 5 मोल ऑफ वाटर लेते थे, फिर क्या करते थे, आप देखते थे आपका BOH का होल साइज आता था। तो इसमें ध्यान रखना कि किस बात का ध्यान आपको रखना है, यहाँ पर ध्यान रखें बिल्कुल, जब कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं बोरोन पे, एक बहुत की पॉइंट है वो ये कि बोरोन के अगर हैलाइड्स और हाइड्राइड्स, बोरोन के हैलाइड्स और हाइड्राइड्स, जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है, क्या होता है इनका हाइड्रोलिसिस, मैंने बताया था हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, या तो आप इसकी रिएक्शन किसी डाइल्यूट एसिड से करा दें, या इस चीज की रिएक्शन जिसकी भी बात कर रहे हैं उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा दें, तो उस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं,
ठीक है ना, इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं, जब आप रिएक्शन किसके साथ करें, वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किसी भी सब्सटेंस का अगर आप H2O और डाइल्यूट एसिड के साथ अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अगर वो सब्सटेंस आपका बोरोन का कोई कंपाउंड है, या तो आपका इधर हैलाइड हो और हाइड्राइड्स हो, तो उस समय आपका जो यहाँ पर बनेगा, ध्यान रखें, श्योरली ध्यान रखें, BOH का थ्राइस बनेगा, विच इज नोन एज ऑर्थोबोरिक एसिड, H3BO3। ये बिल्कुल की नोट इसका ध्यान रखें, ठीक है ना, वरना अगर आप वैसे वैसे समझेंगे पर्टिकुलर इसके लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। पूरे के लिए ध्यान रखें, क्या मैंने बोला, मैंने बोला कि बोरोन्स के ये जो फिनोमिनन है हाइड्रोलिसिस, ये तो तय है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर वाटर के साथ या फिर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाए तो जो भी बनेगा वो आपका हाइड्रोलिसिस के फिनोमिनन के थ्रू बनेगा। लेकिन अगर वो आपका पर्टिकुलर सब्सटेंस बोरोन का कोई हैलाइड और हाइड्राइड है, हैलाइड का मतलब हुआ कि कोई ग्रुप 17 क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन इनसे जुड़ा हुआ है, जैसे BF3 BCl3 इस टाइप का वो, या फिर हाइड्राइड जैसे कि ये खुद है, ये हाइड्राइड है बोरोन का B2H6, क्योंकि हाइड्रोजन से जुड़ा है। इनकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ होगी तो ये कौन सा फिनोमिनन है, हाइड्रोलिसिस, इसके थ्रू क्या बनने वाला है आपका, वो H3BO3, ठीक है ना। तो मैंने आपको की पॉइंट एक जनरलाइज वे में बता दिया, तो जैसे ये सामने आपके आएगा आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये बोरोन का हाइड्राइड है, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो तुरंत वो बनेगा, ये आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो मैं सिर्फ कर रहा हूँ इस चीज को आप नोट कर लें, बिल्कुल इसे बॉक्स में डाल के कहीं पर सबसे पेज के ऊपर पर लिख लीजिए, ठीक है ना, जो आपने चीज देखी। देखिए स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा इसके अगर पूछा जाएगा क्या होगा, तो आपको आना चाहिए। तो आप क्योंकि बात समझ गए, आपको इतना तय है कि ये तो बनेगा H3BO3 तो बनेगा ही बनेगा, बाकी आप बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस कर लेते हैं, जैसे यहाँ 2 है तो ऐसा करता हूँ इसके आगे अगर 2 लगा देते हैं, ठीक है, तो 2 बोरोन्स हो गए, हाइड्रोजन आपके 6-8 है, हाइड्रोजन वहाँ 3-6 हो गए, तो 2 बचे हुए हाइड्रोजन, तो मैं 2 हाइड्रोजन को थोड़ी देर यहाँ लिख लेता हूँ। बाकी आपके ऑक्सीजन कितने हैं वहाँ देखिए, 2-3-6 ऑक्सीजन, यहाँ आपके ऑक्सीजन कितने स्टूडेंट, 1, तो ऐसा करता हूँ इसे 6 करते हैं। अब इसे 6 किया तो हाइड्रोजन बदल गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 और 6 18 हाइड्रोजन हो गए, और आपके हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, तो मैं ऐसा करता हूँ इसे मैं 4 कर लेता हूँ, 4-3 = 12 हो गया, 12 और 2 कितना हो गया, 14, ठीक है ना। तो आपके बोरोन्स कितने हो गए, मैं कुछ इसे समझ रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर मैं बैलेंसिंग कर रहा हूँ, मेरे लिए ध्यान रखें बनेगा यही, ठीक है ना, H3BO3 मैं बैलेंस करके देख रहा हूँ एक बार क्या होता है, इसे थोड़ी देर हटाता हूँ। देखिए बोरोन हमारे 4 हो गए, बोरोन 4 है हमारे यहाँ पर, और हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 6-12 और आपके यहाँ से हाइड्रोजन आपके यहाँ पर 12 हो चुके हैं, लेकिन जो भी, तो स्टूडेंट ध्यान रखें इस बात को, आप देख लीजिएगा इस बात को कि यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना मैं श्योरली कह रहा हूँ कि ये बनेगा, अभी क्योंकि लैक ऑफ टाइम है इसीलिए मैं बैलेंस करने में टाइम नहीं लगा रहा हूँ, श्योरली बनेगा, ध्यान रखिएगा श्योरली कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट बनेगा, इन पर फोकस मत कीजिए कि ये 6 है कि क्या है, अभी मैं इनको नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जनरलाइज वे में अगर बात करूँ तो मैंने आपको मेन पॉइंट जो है वो बता दिया कि अगर किसी की बोरोन की हाइड्राइड या किसी का भी अगर वाटर जैसा हाइड्रोलिसिस होगा तो जो हमारे पास बनेगा वो कौन होगा, ये बनेगा। बैलेंस आप आराम से कर ले, बहुत आसानी से हो सकता है, लैक ऑफ टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए बस मेन आप जो इसका कॉन्सेप्ट था वो समझ गए मेन बात, ठीक है ना, ये हाइड्रोलिसिस का फिनोमेनन है। आप इसे आराम से श्योरली करें और ये ध्यान रखें ये तो श्योरली बनेगा ही बनेगा, बस इसके बाद आगे का बैलेंस करते हुए चले, ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ 4 होना चाहिए क्योंकि अक्सर जब भी बोरिक एसिड आया है तो 4 आगे से आता है, ठीक है ना, अक्सर ऐसे ही होता है। अभी मैं इसे हटाता हूँ। तो स्टूडेंट आपने देख लिया रिएक्शन विद ऑक्सीजन और रिएक्शन विद वाटर, ये दो बातें आपने समझ ली, और आपने देख लिया कि वो काफी ज्यादा कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस कम्बशन को शो करता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के आकर हीट इवॉल्व करता है 1976 किलो जूल पर मोल के अमाउंट की। इतनी बात स्टूडेंट आप समझ गए। अब एक बात जो इंपॉर्टेंट है इसकी रिएक्शन, वो है रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। आपने देख लिया, आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखी, वाटर के साथ देखी, और आपकी ये रिएक्शन है अमोनिया के साथ, ठीक है ना। इतनी बात तो स्टूडेंट क्या होगा, जरा बहुत आराम से समझिएगा, B2H6 यहाँ पर लिखा है, प्लस लिखा होगा अमोनिया, कुछ आगे पर बनेगा। तो ये मैंने अपने तरीके से थोड़ा सा समझाने के लिए आपको कुछ यहाँ पर किया है, जरा समझिए मैंने किस तरह से इसे बताया। ये BH3, ठीक है ना, ये एक्चुअली होगा क्या, BH3 दो BH3 है ना, तो इस तरह से मैं इसे कर रहा हूँ, BH3 और इसे मैंने किया 2, और इसका जो एक हाइड्रोजन था इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ BH2, एक हाइड्रोजन हुआ, तो एक्चुअली BH3 ही है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने ये बोला आपको कि यहाँ पर इस हाइड्रोजन को, जो ये आपका हाइड्रोजन है,
मान लिया ऐसा होता है कि यह हाइड्रोजन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन थे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने ले लिए, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन पर कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा दो इलेक्ट्रॉन के साथ। यहाँ क्या बच जाएगा, BH2 बच जाएगा। अब BH2 की तरफ से क्योंकि गया है, BH2 ने जाने दिया, इसका मतलब BH2 पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा। ये आपका BH3 यहाँ पर इसके साथ बाइंड था, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन अलग हुआ तो ये इसके साथ बाइंड है इस तरह से। तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट कर लेगा बोरोन, तो ये आपका बोरोन, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो उन हाइड्रोजन को वो ले लेगा और BH4 बना देगा। लेकिन इसके ऊपर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो इन पूरी बातों से मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि B2H6 को मैंने कन्वर्ट कराया दो हिस्सों में, एक BH2 पॉजिटिव में, दूसरा BH4 नेगेटिव में। ये मैंने एक तरीके से आपके लिए समझाने के लिए इस तरह का फॉर्मेशन किया कि ये कैसे हुआ, ये आप समझो, ठीक है ना, इसे बिल्कुल ध्यान रखें। देखिए स्टूडेंट्स, इतना आप समझ चुके हैं। अब हमारा जो यहाँ बनेगा वो क्या होगा, देखिए अभी हमारा अमोनिया है, अमोनिया आप जानते हैं कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है, एक लेविस बेस की तरह बिहेव करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। ये कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नेगेटिव, चार्ज इसे कौन अपनी तरफ खींचेगा, जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वो अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, BH2 जो आपका है पॉजिटिव साइन के साथ, इसने अमोनिया को क्या कर दिया, अमोनिया को अट्रैक्ट करा इस तरह से, अमोनिया के ट्वाइस के साथ। तो मैं समझाता हूँ ये ट्वाइस क्यों, एक्चुअली इस तरह से ये आपके ट्वाइस हुए, ठीक है ना। तो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज था उसमें ये अमोनिया के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने आकर क्या किया होगा स्टूडेंट्स, इसे बहुत आराम से समझे। यहाँ पर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स, ये BH2 में किस तरह का स्ट्रक्चर बनने वाला है, इस तरह का, एक एच एक एच एक पॉजिटिव। अगर NH3 यहां से स्टूडेंट्स आता है तो NH3 के पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करवाएगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा स्टूडेंट्स, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन मदद करेगा आपके बोरोन के ट्राइवेलेंट बनाने में, मतलब बोरोन की तीन वैलेंसी होती है ना, 1 2, तीसरी वैलेंसी बनाने में मदद करेगा, मतलब कुछ इस तरह का। जैसे मैंने इसके क्या लिए, NH3 के दो मॉलिक्यूल्स लिए, BH2 NH3 का ट्वाइस, इस तरह से, ठीक है ना। एक तो यहाँ पर ये बनेगा और ये आपका इस तरह से इसे यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, और ये आपका BH4 का नेगेटिव जो बचा हुआ था वो एज इट इज इस तरह से यहाँ पर रहने दीजिए। BH2 NH3 का ट्वाइस और BH4 का नेगेटिव इसी तरह से रहेगा क्योंकि उसको किसी ने भी नलीफाई नहीं किया, जबकि BH2 के पॉजिटिव को NH3 ने नलीफाई किया। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारा इतना बना। रही बात हमारे यहाँ पर, अगर आप देखिए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तीन यहाँ पर मोल्स लगा दें, तीन मोल्स लगा दें ताकि बैलेंस हो जाए रिएक्शन, बैलेंस हो जाएगी आपकी रिएक्शन। देखिए यहाँ पर कितने बोरोन्स है, 1 2, यानी 2 बोरोन से 2 3 जा 6 बोरोन हो गए, तो 6 मतलब यहाँ 3 लगाना चाहिए, 3 2 जा 6 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन कितने, नाइट्रोजन 2 थे, 2 3 जा 6, तो इसका मतलब यहाँ पर ही 6 लगाना चाहिए। तो ये कॉम्प्लिकेट सा लग रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, इसे पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, 6 NH3, ये इस तरह से आपके पास रिएक्शन यहाँ पर आएगी, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 3, मैं भी आपको समझाता हूँ दोबारा से एक बार, BH2 NH3 का ट्वाइस, और यहाँ पर आपके पास बचा है BH4 नेगेटिव, इतना BH4 पर आपका क्या लग रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट ये जो 3 रखना है ये आपको कम से कम रिमाइंड रखना है कि 3 यहाँ पर आएगा, इस 3 की वजह से आपको ये दोनों याद नहीं रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको 3 लगाना है, तो अगर आप यहाँ 3 लगाएंगे तो आप समझ गए बोरोन यहाँ 2 हो रहे हैं, तो 2 3 जा 6 हो गया, तो यहाँ पर आपको 6 करने के लिए 3 लगाना पड़ेगा। वैसे अमोनिया आपने देखा यहाँ एन के 2 है, तो 2 3 जा 6 हो गया, तो इसीलिए आपको अमोनिया के एन के आगे 6 लगाना पड़ेगा। तो आप सिर्फ इतना रिमाइंड रखें कि 3 यहाँ माइंड में रखें कि यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है ना, इतनी बात। और मेन बात जो समझने वाली थी मैंने आपको बताया, इसको दो हिस्सों में ब्रेक कीजिएगा, एक BH2 पॉजिटिव और एक BH4 नेगेटिव, कैसे होगा वो समझिए, बस इतनी सी बात है। बाकी अगर आप बैलेंस करें कि क्या चीजें आपके पास कम पड़ रही है, तो आपके पास हाइड्रोजन कम पड़ रही है, देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ से 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना होता है 8, और यहाँ से 8 और 4 12, 3 जा 36 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 36, यहाँ हाइड्रोजन देखिए 6 3 जा 18, और यहाँ पर 6 3 जा 18 आपके कितने हुए 36। तो आपने देखा कि 18 18 36 आपके क्या हो गया हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपने देखा ये आपका बना, ये स्ट्रेंड जो आपका बना ये आपका क्या था, इंटरमीडिएट। तो आपकी हाइड्रोजन सभी की यहाँ से हो गई, ये जो आपका बना ये इंटरमीडिएट था, ठीक है ना।
ये इंटरमीडिएट को बनवाना मैंने आपको सिखाया। अगर आप देखें अल्टीमेटली यहाँ क्या बनेगा, अल्टीमेटली यहाँ बनता है B3N3H6। ये असल में जो ये 3 यहाँ पर लगाया था मैंने, वो इसके कारण लगाया था। तो अभी मैं जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तब मैं आपको पूरी कहानी बता दूंगा कि हुआ क्या था इसमें, ठीक है। तो B3 आपका इसके कारण, N3 अगर देखेंगे N3 आपका यहाँ, एक्चुअली N कितने हैं आपके, N6 है आपके, तो B3N3H6 और यहाँ पर हमारे बचेंगे 12 ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से ये हमारी रिएक्शन इस तरह से फॉलो करे, ठीक है। अगर आप इसके आगे लगा दें 2, क्योंकि आपने देखा कि बोरोन कितने हैं एक्चुअली, 2 तो ये है, 2, 3 या 6, तो अगर आप बैलेंस करें 3, 2 या 6 बोरोन हो गए, 3, 2 या 6 नाइट्रोजन हो गए, अगर आप वहां से देखते हुए चले, और हाइड्रोजन आपके 12 ये हो गए, और 12 और ये 24 ये थे, तो 24 और 12 36 मैंने आपको बताया था कि 36 हाइड्रोजन थे, तो ये बैलेंस आपका हो चुका है। तो स्ट्रिंग जो ये पूरी स्टोरी यहाँ पर क्रिएट की गई वो सिर्फ इसके लिए, जो यहाँ पर 3 लगा वो इसके कारण लगा था। अगर आप 3 वहां नहीं लगाते, क्योंकि 3 लगाने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं वहां पर, इन दोनों में आपस में कोई 3 की रिक्वायरमेंट नहीं थी, 3 इसके कारण लगा गया, रिवर्स होकर हम वहां तक पहुंचे। तो मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दिया कि 3 वहां पर याद रख लें, वो रीजन इसका था, क्योंकि यहाँ पर B3 लिखना है। जो ये चीज आपकी लिखी गई है इसे कहते हैं बोराजीन, क्या कहते हैं, बोराइजीन कहते हैं, ठीक है ना, ये जो मैंने लिखा हुआ है। और इसी को हम इनऑर्गेनिक क्या कहते हैं, बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ पहली बातें, ये स्ट्रिंग्स आप समझ चुके होंगे, तो ध्यान रखिए आपके पेपर में ये आएगा कि जो B2H6 है उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है क्या बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वैसे कोई कोई इसे छोड़ सकता है, स्केप कर देता है, लेकिन मैंने क्योंकि आपको कुछ तरीके बताए, अगर आपको समझ में आया होगा तो उसे फॉलो करिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करना है, अमोनिया के 2 मोल्स आएंगे इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, पॉजिटिव वाले के साथ नेगेटिव वाला छूट जाएगा, तो इंटरमीडिएट अगर आप बनाए तो इफेक्टिव रहेगा, ठीक है ना, आपकी नोटबुक में जो रहेगा इफेक्टिव रहेगा, आपकी जो पेपर की कॉपी हो। अल्टीमेटली आपको ये बनाना है, ध्यान रखिए अगर आपको वो बाय चांस नहीं आता है यार पेपर में, ठीक है ना, वो एक लास्ट कंडीशन में बता रहा हूँ, नहीं आता है तो डायरेक्ट ध्यान रखें ये अमोनिया के साथ बनकर बोराइजिन बनाता है, बोराइजिन का फॉर्मूला ये आपको याद हो जाएगा, मैं कुछ बता रहा हूँ। इतनी बात स्ट्रेंट आप समझिए, ये आपका क्या बनेगा, बोराइजिन, इस पर जरा फोकस करें, ये आप समझ चुके हैं, मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बोराइजिन बना था इसका फॉर्मूला क्या था, B3N3H6, ये हमारा बोराइजिन का फॉर्मूला है, इसे क्या कहता है, मैंने बोला इनऑर्गेनिक बेंजीन, वैसे इसका नाम क्या है, बोराइजिन, बोराइजिन इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन कैसी होती है स्टूडेंट्स, इस तरह का स्ट्रक्चर बेंजीन का होता है, कार्बन 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 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजिशन पर होता है, बाकी हाइड्रोजन से आप सेटिस्फाई करवा सकते हैं, ठीक है ना, जो बचा हुआ है 2, 3, 4 हर के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है इस तरह से, ये आप चुके हैं बेंजीन, ठीक है फ्रेंड्स। इसको अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, देखिए स्टूडेंट्स, B कितने आपके 1, 2, 3, N कितने हैं 1, 2, 3, B3N3 हो गया आपका, रही बात H6, तो हर 6 कॉर्नर में हमारा एक ही हाइड्रोजन लगा है, B3N3H6, तो ये जो बना ये आपका बोराइजिन, देख रहे हैं आप, इट इज क्वाइट सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, इसीलिए हम इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसीलिए क्योंकि इसमें कोई भी कार्बन नहीं, और जहां कार्बन होते हैं वहीं ऑर्गेनिक वर्ड यूज होता है, तो ये कार्बन की तरह तो नहीं है, लेकिन काफी इसका हद तक इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है बेंजीन के, इसलिए इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी आ सकता है कि बोराइजिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो बनाइए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ आपको इसको ध्यान रखना है, अल्टरनेट पोजिशन पर आपको BN लगाना है, बहुत नॉर्मल सी बात, ये बोराइजिन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए जो मैंने आपको इसकी रिएक्शन बताई, तो ध्यान रखिएगा एक स्पेशल स्टूडेंट, मतलब जो एक आइडियलिटी अगर होनी चाहिए तो वो वही कि अगर आपके पेपर में आएगा कि इसकी B2H6 की अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बोलता है, अगर आप ये लिख देंगे तो सही तो माना जाएगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट को भी दिखेंगे जो मैंने दिखाया था तो वो जरूर एक पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ेगा, ठीक है ना, जो आप मैंने इंटरमीडिएट बनाया था, तो ध्यान रखिएगा इंटरमीडिएट का भी ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट ये आप समझते हैं, ये आपका था बोराइजिन विच इज एन इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है ना, इतनी बात हो गई। अब हमारे पास लास्ट बात जो बचती है वो है स्ट्रक्चर ऑफ B2H6 विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ B2H6, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा,
यहाँ आपका एक बोरोन, यहाँ आपका एक बोरोन, कॉर्नर्स पे आपके हाइड्रोजन होंगे इस तरह से, कॉर्नर पर आपके क्या होंगे हाइड्रोजन, ये बोरोन आपका इस हाइड्रोजन से अटैच होगा, इस वाले से इस तरह से, ये वाला जो आपका है यहां से इस तरह से अटैच होगा इस हाइड्रोजन से, और इस वाले से इस तरह से ये अटैच होगा। समझ रहे होंगे ये आपका मैंने बनाया अभी फिलहाल, अभी समझाता हूँ आपको बातें, ठीक है ना। ये जो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा वो इस तरह से, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा इस तरह से, इस तरह से आपकी ये आपका बेसिकली B2H6 का स्ट्रक्चर होगा। अब जरा ऐसे समझ लीजिए, इसे कुछ ऐसा समझिए कि हमारा जो एक प्लेन है, ठीक है ना, ये एक मैंने टेबल टाइप की बना दी ताकि आपको समझ में आए। टेबल में आपके ये दो भी इसी प्लेन में, एक ही प्लेन में है, बाकी ये जो चार एच है ये भी एक ही प्लेन में, मतलब जैसा कि एक नॉर्मल प्लेन होगा उसी प्लेन में आपके चारों कॉर्नर्स पे, जैसे कैरम बोर्ड होता है उसके चारों कॉर्नर्स पे आपके हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके बोरोन है उसी कैरम बोर्ड में। इस कैरम बोर्ड के ऊपर जहां अगर आपने देखा होगा लाइट लगती है वैसा टाइप का, तो वहां पर आपका हाइड्रोजन है और उसी के ठीक उतना ही नीचे आपका कौन है हाइड्रोजन, मतलब ये क्या है आउट ऑफ द प्लेन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, एक है आउट ऑफ द प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में, एक है आउट ऑफ द प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्टेबल के नीचे, ये आपके हाइड्रोजन की लोकेशन। इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होता है, एक बात आपको समझना है। इनके कुछ डेटाज होते हैं क्योंकि आपको ध्यान रखने चाहिए, मैं उन्हें यहाँ पर नहीं लिखूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप इनके डेटा आप बुक से कलेक्ट कर लीजिएगा कि किसके बीच में कितना डिस्टेंस होता है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको जरूर यहाँ पर बता दूंगा। अब जरा यहाँ समझना क्या है कि आपके जो ये मैंने डॉटेड समझाया है, जरा इसे समझते हैं कुछ बातें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो ये कि आपका बोरोन की कितनी वैलेंसी होती है, तीन। तो आपने देखा बोरोन ने एक हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो एक बॉन्ड बना, एक हाइड्रोजन ने दिया होगा एक बोरोन ने दिया होगा एक बॉन्ड बना, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन का है। ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ये हुआ और ऐसे ही ये हुआ, वो तीसरा इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई नहीं दिया। एक्चुअली स्टूडेंट ये जो हाइड्रोजन है ये दो हाइड्रोजन, अब हमारे पास सिचुएशन क्या आ गई कि ये हमारे पास BHB थ्री सेंटर्स है हमारे पास। मैं इस BHB, जैसे मैं पहले BH की बात करता हूँ, मैं इस BH कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, तो BH का कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें देखिए कितने सेंटर्स हैं, टू सेंटर्स, क्या है इसमें टू सेंटर्स, मतलब दो सेंटर, एक हाइड्रोजन का एक बोरोन का, दो सेंटर और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टू इलेक्ट्रॉन्स, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स, ये था आपका BH। अगर मैं बात करता हूँ BHB वाले बॉन्ड के बारे में, इस BHB के जिसको मैंने डॉटेड से दिखा रहा हूं, इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट कि आपके पास सेंटर्स तो कितने हैं थ्री, ऐसे ही इसमें भी सेंटर्स हैं थ्री, तो मैं क्या बोलूंगा थ्री सेंटर्स। अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का हो गया, तो अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बोरोन ने अपने यहां इलेक्ट्रॉन रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अपने रख दिया, ऐसे ही इस बोरोन के पास भी एक क्या है इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन बोरोन ने अपना यहाँ रखा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, बस हो गया काम, यहाँ कोई नहीं है यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि बोरोन के पास कुछ देने के लिए नहीं है, हाइड्रोजन के पास देने के लिए यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड हमारा एम्प्टी या वैकेंट रहा है, ठीक है, इन दोनों का जरूर फॉर्मेशन हो गया इस तरह से। तो स्टूडेंट ये तो मजबूती से बंध गए हैं ये वाले, लेकिन ये यहाँ से फ्री हो गया, इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए कि इस वाले को सेपरेट होकर चले जाना चाहिए क्योंकि इन्हें रोकने वाला कोई है नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर थ्री सेंटर में बात करूं तो हमारे पास सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, थ्री सेंटर में दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे ही इस तीन सेंटर में भी दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, ये प्रॉब्लम की बात है, सेंटर तीन है इलेक्ट्रॉन्स दो है, तो जरूर क्या होगा फटाफट फटाफट शेयरिंग करनी पड़ेगी, साइकिल जरूर बनानी पड़ेगी। अगर आप जानते हैं कि एक आदमी दो और तीन, तीन पर्सन इस तरह से यहां पर खड़े, ठीक है ना, थ्री पीपल, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर मुझे कोई दो चीजें हैं और दो चीजें चाहता हूँ कि तीनों के पास रहे, हमेशा इनके पास रहे जब भी देखिए, तो पॉसिबल क्या होगा, यही हो सकता है कि आप एक साइकिल बना दें, आप एक साइकिल बना दें इन तीनों के बीच की, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये प्रोसेस चलाते रहे, तो हर इंस्टेंट पर हमारे पास कम से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा ही। अगर मैं दो की बात करूँ, इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस अगर यहाँ पर, तो आपके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जैसे जरा ऐसे यहां से समझ लीजिए, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, अभी यहाँ पर स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ पर कुछ नहीं है,
लेकिन ये बहुत ही छोटे फ्रैक्शन ऑफ टाइम में यहाँ पर ही काम होगा कि जैसे ही ये बॉन्ड अलग होने लग जाएंगे, क्योंकि इन्हें रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, जैसे ही ये बॉन्ड अलग होंगे तुरंत ये वाला इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ हो जाएगी। मतलब ये वाला बोरोन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। जैसे ये दूर होने वाला होगा उसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में इन दोनों के बीच बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ इन दोनों के बीच बॉन्डिंग हो जाएगी, उस इंस्टेंट पर ये खाली छूट जाएंगे। तो यही प्रोसीजर चलता रहेगा कि ये बॉन्ड एक बार इसमें, एक बार इसके साथ, ये बॉन्ड एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ फॉर्मेशन बनाता रहेगा फ्रैक्शन ऑफ टाइम में। बहुत फास्ट प्रोसेस होगा, जैसे ही एक दूर जाने वाला होगा उसी इंस्टेंट पर दूसरा वाला बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ये बॉन्ड आपके क्या होते रहेंगे, लगातार ब्रेक होंगे और फॉर्मेट होंगे, ब्रेक होंगे फॉर्मेट होंगे, इस तरह का फॉर्मेशन यहाँ पर चलेगा। तो ये जो आपका था बी एच बी, जिसमें हमारा थ्री सेंटर्स टू इलेक्ट्रॉन्स थे, इसे हम कहते हैं आपका बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड कहते हैं या इसे ब्रिज बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज बॉन्ड। और जो ये आपके हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, ब्रिज हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो ब्रिज बन रहा है इन दो के बीच में, क्योंकि इन दो बोरोन्स को जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हो रही है, वो हाइड्रोजन एक ब्रिज का काम कर रहा है। मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, एक बार इसके साथ कर रहा है, तो मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रह रहे हैं, बी एच थ्री बी एच थ्री, ठीक है ना। बस इतनी सी बात याद रहे, बाकी कुछ बातें होंगी इनके बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड के बारे में, आपके एंगल के बारे में, वो आप जरूर बुक से कंसल्ट कर लेना, ठीक है ना। वो मैंने नहीं लिखा, उसे यहाँ पर नहीं मेंशन किया। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कुछ बातें यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि ये बी एच बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी कि ये डॉटेड बी एच बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी। मतलब बी एच बी में जो बी एच बॉन्ड बना है ये ज्यादा लेंथी होगा या ये, तो ये वाला ज्यादा लेंथी होता है। आप देखिएगा इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा 137 पिकोमीटर इस तरह की कुछ होगी, ठीक है ना, ये ज्यादा होगा। इसके रीजंस होते हैं तो वो आप देखिएगा, पहले आप इसकी वैल्यूज कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, ये बात सुनते आप समझ गए। तो ये कुछ बातें थी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है वो क्या कि बी एच बी बॉन्ड में कितने सेंटर्स, कितने इलेक्ट्रॉन, तो थ्री सेंटर्स है और टू इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो कि बार बार इधर उधर कर रहे हैं। बी एच वाले में दो सेंटर, एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो सेंटर, टू सेंटर, टू इलेक्ट्रॉन, इतनी बातें स्टूडेंट आपको समझना है। इसी बॉन्ड को बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, ब्रिज बॉन्ड भी कहते हैं, और इसे अगर दिखाना हो तो इस तरह से दिखाते हैं बी एच बी एच, और यहाँ एक हाइड्रोजन, और इस तरह से एक बनाना टाइप का शेप दिया जाता है, और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है बी टू एच सिक्स का, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड कुछ बातें, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड है कि बी एच में अगर इसकी बात करूं कि इसमें किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन देखो, सॉरी देखिए यहाँ से जरा, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इस तरफ से रख कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक लास्ट बात है वो आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, अगर कभी बी एच थ्री होगा, बी एच थ्री में जो आपकी हाइड्रोजन, कोई बोले कि कितना हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन का एक तरीका मैंने आपने केमिस्ट्री में बताया था आपको कैसे करना है, क्विकली बता रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन में अगर 1, 2, 3 बॉन्ड्स है ना, तो आप हमेशा एस और पी लिख लीजिएगा हमेशा एस पी यहाँ पर, तो एस पी थ्री हो या एस पी टू हो या एस पी हो, तीनों में एस तो हमेशा वन ही रहता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1, 2, 3 है, तो इनका समीशन, इनकी पावर का समीशन 3 हो जाना चाहिए। 3 किस में हो रहा है देखिए जरा, इस वाले में पावर का समीशन 3 हो रहा है, इसलिए इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर ट्राइगोनल प्लेयर, अगर बी एस थ्री की बात कर रहा हूँ 120 डिग्री बॉन्डिंग। लेकिन अगर बात हो रही होती बी टू एच सिक्स की, तो बी टू एच सिक्स में स्टूडेंट ध्यान रखिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp3, क्योंकि इस बार हमारा बोरोन एक हाइड्रोजन से कनेक्ट तो है ही, साथ में यहाँ से एक जिससे भी कनेक्ट होगा, जैसे हमारा एक हाइड्रोजन से कनेक्ट है B2H6 बोला मैंने स्टूडेंट इस तरह का, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, तो उस समय जो आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये प्रोसेस चल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लगभग माना जा सकता है कि दोनों इंस्टेंट पे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बहुत फास्ट ये प्रोसेस चल रहा है। मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, जो एक्चुअली एक साथ नहीं होंगे वैसे प्रैक्टिकली, लेकिन क्योंकि प्रोसेस इतना फास्ट है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम अल्टरनेट करंट का इस्तेमाल करते हैं, क्लास 12th में आपका फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट नाम का एक चैप्टर आता है, तो वहां क्या देखते हैं कि टाइम के साथ करंट वेरी करता है, और टाइम के साथ करंट इस तरह से वेरी करता है कि ये इसका ग्राफ होता है, ये आपका आई है, ये आपका टी है। तो एक इंस्टेंट पर आप देखेंगे टाइम के एक इंस्टेंट पर करंट जीरो होता है, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, मतलब आपका जो बल्ब है वो बंद हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी आइस की इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है, और आपको बता दूं कि 50 साइकिल पर सेकंड ये आपकी हर्ट्ज होती है जो इंडिया में आपका चलता है, 50 साइकिल पर सेकंड ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब 50 बार बंद होता है 50 बार जलता है आपका बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। लेकिन हमें फिर भी फील नहीं हो पाता, हमें पता नहीं चल पाता कि बल्ब बंद भी हुआ, ये एक सेकंड में होता है।
तो इसीलिए आप समझ गए कि होता भी है और हमें पता भी नहीं चल पा रहा। इसी तरह का यहाँ भी कुछ हो रहा है, बॉन्ड टूट रहे बन रहे लेकिन इतना फास्ट है कि पता नहीं चल रहा, कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो आप बहुत आसानी से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल था यहाँ के लिए। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यही बातें आपकी थी B2H6 के इससे रिलेटेड, जो आपका B2H6 था। बाकी इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे जरूर मार्क कीजिएगा। इस पर अगर आपको एक आइडियल स्टूडेंट की तरह अगर वहां पर एग्जाम में बिहेव करवाना है तो स्टूडेंट आप जरूर ध्यान रखिए इनके जो बॉन्ड लेंथ है वो भी आप याद कर लीजिए। ठीक है ना, कोई बात नहीं, पेपर से एक दिन पहले कर लीजिएगा। इसे ध्यान रखिएगा कि पेपर से जाते समय आप बस इनकी यही याद करते जाए, और तो क्योंकि स्पेशल कुछ याद करने वाला होता नहीं है। आपने देख लिया कि प्रोसीजर कॉन्सेप्चुअल था, बस वो मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं भी लिखेंगे तो उसके कोई ऐसे मार्क्स कटने वाली ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है ना, तो स्टूडेंट ये आपका अभी टॉपिक था। तो ये मुझे लगता है मैंने इसमें से डायबोरिंग में जितने भी आपके पॉइंट्स थे मैंने सारे ही टच किए हैं, मुझे लगता है ऐसा। तो मैं अगर बात कर लूँ शुरुआत से क्या क्या था डायबोरिंग में, हमने सबसे पहले इसका बनना देखा। एक हमने BF3 की रिएक्शन की थी LiLH4 के साथ, फिर हमने किया था NaH के साथ BF3 की रिएक्शन, फिर हमने देखा था NaBH4 के साथ आयोडीन की रिएक्शन, ये तीन फॉर्मेशन थे। फिर मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाई थी, वाटर के साथ रिएक्शन दिखाई थी। ऑक्सीजन के साथ ये हीट इवॉल्व करता था 1976 किलो जूल पर मोल के साथ, और अगर आप वाटर के साथ देखते थे हाइड्रोलिसिस का फिनोमिनन होता था। मैंने रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट नहीं बनाया, वो आपने देखना है। और मैंने बताया था BOH का होल थ्राइस जो कि ऑर्थोबोरिक एसिड होता है श्योरली बनेगा। फिर मैंने बताया था कि टॉक्सिक गैस होती है, गैस इसीलिए क्योंकि इसका वॉल्यूम 0.180 केल्विन होता है, क्योंकि बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या बिलो रूम टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने स्टूडेंट आपको उसके में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि बोराजीन बनाने की थी, वो थी कि बोरोन हमारा ये जो B2H6 से रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ, B3N3H6 बनाता है, जो इंपॉर्टेंट इसका इंटरमीडिएट था वो आपने समझा होगा। अल्टीमेट मैं बात की लास्ट में इसमें किसमें B2H6 के स्ट्रक्चर पे, जो कि इंपॉर्टेंट था हमारा। BH के बीच में दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन्स, BHB में थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बनाना बॉन्ड भी कहते हैं इसी को, इसी को ब्रिज बॉन्ड भी कहते हैं, और इसी को हमारा थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, आपने देखा कि जो BH3 होते हैं BH3 में SP2 और B2H6 में SP3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करता है। ये कुछ बातें थी इससे रिलेटेड। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये सफिशियंट है इसके लिए डायबोरिन की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।